है विमान, 1 जुलाई से इनकम टैक्स फाइलिंग का आगाज हो चुका है। फाइनेंस बिल इस बजट के बाद और उसके बाद जो अमेंडेड फाइनेंस बिल आया है उसमें काफ़ी सारी चेंजेस हो गई हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टैक्स फाइलिंग रेट फॉर बिजनेस पर्सन एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जैसे AOPs कहते हैं। इसमें इन्होंने पहले की 5 टैक्स ब्रैकेट्स थी जिसको बढ़ाकर 7 कर दिया गया और काफ़ी बिग इंक्रीज कर दी है टैक्सेस में। उसकी अमाउंट कितनी है और कितना टैक्स साल में चार्ज होगा, कितना टैक्स चार्ज किया जाएगा, ये सब कुछ आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं ब्रैकेट्स को किस तरह से चेंज किया गया है। फॉर एग्जांपल पिछले साल तक ब्रैकेट टैक्स ब्रैकेट थी 6 लाख से शुरू हो रही थी, 6 लाख से कम इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं था, जो कि अभी भी इसी तरह से रखा गया है। लेकिन सेकेंड ब्रैकेट थी 6 से 12 लाख, इसके ऊपर सिर्फ 2.5% तक टैक्स था, लेकिन अब सेकेंड ब्रैकेट को 6 से 12 की बजाय 6 से 8 लाख कर दिया गया और टैक्स भी बढ़ाकर 7.5% कर दिया गया है। यानी 6 लाख से ऊपर जितनी भी रकम होगी उसके ऊपर उन्हें 7.5% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, जबकि पहले यही टैक्स 8% था और 12 लाख तक इसकी गुंजाइश थी। अब तीसरी ब्रैकेट बनाई गई है 8 लाख से 12 लाख की, जिसके ऊपर 15,000 रुपये लमसम टैक्स होगा आपका 8 लाख रुपये तक, और उसके बाद 8 से ऊपर जितनी भी 12 तक की इनकम होगी उसके ऊपर आपको टैक्स चार्ज किया जाएगा 15% के हिसाब से। इसी तरह से 12 से 24 लाख की चौथी ब्रैकेट बनाई गई है, जिसके ऊपर 75,000 लमसम टैक्स है और 20% जो 12 लाख से एक्सीडिंग अमाउंट होगी उसके ऊपर आपको टैक्स चार्ज किया जाएगा। 24 से 30 की नेक्स्ट ब्रैकेट है, जिसके ऊपर 3,15,000 यानी आपकी तकरीबन 3 माह की इनकम तो टैक्स में चली जाएगी, और प्लस उसमें 25% जो है एक्सीडिंग अमाउंट 24 लाख से वो आपको पे करनी होगी टैक्स कीमत में। और इसी तरह से नेक्स्ट ब्रैकेट इसमें 30 से 40 लाख की है, इस पर 4,65,000 रुपया लमसम टैक्स है और 30% जो एक्सीडिंग अमाउंट होगी 30 लाख से वो आपको चार्ज किया जाएगा। 40 लाख से ऊपर आपकी बेशक 40 करोड़ इनकम है, 40 अरब इनकम है, उसकी एक ही ब्रैकेट रखी गई है, 7,65,000 रुपया आपको लमसम चार्ज होगा और 40 से ऊपर जितनी भी अमाउंट होगी उसके ऊपर 33% टैक्स आपको चार्ज होगा। अब ये ब्रैकेट्स किस तरह से कंपेयर होती हैं पिछले साल के साथ और कितना आपको डिफरेंस आया है, कितना आपका इजाफी टैक्स इस साल आपको पे करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा तो मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दिया है, लेकिन अगर मजीद आपने डिटेल कंपेरिजन देखना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे सैलरीड पर्सन पे क्या क्या टैक्स अप्लाई होंगे और उनकी क्या ब्रैकेट्स बनाई गई हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का अल्लाह।